नमस्कार दोस्तों दोस्तों एक और लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के साथ हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे केंद्रीय विभाग में निकली भर्ती की। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और यहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा इस वैकेंसी के लिए। स्टेप बाय स्टेप आपको ऑनलाइन आवेदन करने का प्रोसेस भी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहे। दोस्तों ये जो वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया के लिए जॉब है, महिला पुरुष मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर सैलरी भी काफी आपको अच्छी सैलरी दी जा रही है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, बात करते हैं पूरी इस लेटेस्ट रिक्रूटमेंट की। तो ये जो वैकेंसी है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड CEL की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इस वैकेंसी के लिए आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा। एप्लीकेशन मोड सिर्फ ऑनलाइन है। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो के नीचे लाल बटन को दबा करके, और पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन दिखेगा इसको भी आप दबा दीजिएगा ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और प्लीज दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। अगर आपने वीडियो देख रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसे फेसबुक में और व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी इसकी जानकारी मिल सके। एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो जनरल और ओबीसी के लिए ₹300 आवेदन शुल्क है और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं है। ये सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स फ्री में आवेदन कर सकते हैं। पेमेंट मोड की बात करते हैं तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग द्वारा आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करते हैं तो मैक्सिमम 30 साल यहां पर एज लिमिट रखी गई है और आईसीयू में छूट है जो कि एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को यहां पर एज पर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो आवेदन जो है 15 दिसंबर से शुरू हो चुके हैं, लास्ट डेट है 29 दिसंबर आवेदन करने की। इंपॉर्टेंट लिंक्स में आपको नोटिफिकेशन, अप्लाई ऑनलाइन और ऑफिशियल वेबसाइट तीनों का लिंक आपको हमारी साइट पर मिल जाएगा और हमारी साइट का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। जैसे आप नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे आप सीधा ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ जाएंगे। यहां पर आप देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, यहां पर जो वैकेंसी है डिप्यूटी इंजीनियर की पदों पर वैकेंसी है जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जॉब है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इस वैकेंसी के लिए क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहां पर बी बीटेक अगर आप ग्रेजुएट हैं, इंजीनियरिंग करे हुए हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप गेट पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। यहां पर इस वैकेंसी के लिए एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। तो दोस्तों अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है और अगर आप इंजीनियरिंग करे हुए हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों यहां पर सैलरी आपको काफी हैंडसम सैलरी दी जा रही है, 40,000 से लेकर के 1,40,000 तक पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, एज लिमिट के बारे में यहां पर बताया गया है। चलिए बात करते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है इस वैकेंसी के लिए। दोस्तों अप्लाई ऑनलाइन की लिंक पर जैसे आप क्लिक करेंगे आप सीधा ऑनलाइन पोर्टल पर आ जाएंगे। दोस्तों आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले यहां पर अप्लाइड पोस्ट के लिए अप्लाई करना होगा। यहां पर पोस्ट सेलेक्ट करनी होगी किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और यहां पर टोटल एक्सपीरियंस डालना होगा, मैंडेटरी है। और यहां पर जो आप स्टार देख रहे हैं ये सभी स्टार मैंडेटरी है। यहां पर आपका गेट डिटेल्स डालनी होगी, जो भी आपका गेट का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालना है, स्कोर डालना है, पासिंग ये डालना है और रैंक डालनी है आपको। ठीक है, पर्सनल डिटेल्स में आपको आपका नाम डालना है, फादर्स नेम डालना है, मदर्स नेम डालना है, जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, मेल है, फीमेल है या अदर कैटेगरी में है, और यहां पर आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। और उसके बाद में यहां पर आपको आपकी जो भी मेरिटल स्टेटस है वो आपको यहां पर मेंशन करनी है। ठीक है, उसके बाद में आपको यहां पर आपका डोमिसाइल अगर आप किस राज्य से हैं वो आपको राज्य सेलेक्ट करना है। अगर आप राजस्थान से, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, किसी भी राज्य से हैं तो आप राज्य सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करनी है इंडियन। ठीक है, उसके बाद यहां पर कैटेगरी किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, वो आपको यहां पर सेलेक्ट करनी है। ठीक है दोस्तों, नेशनलिटी भी आपने सेलेक्ट कर ली है यहां पर। अब यहां पर बात करते हैं पीडब्ल्यूडी की। अगर आप पीडब्ल्यूडी है तो आप येस कर सकते हैं, अदरवाइज आप नो कर दीजिएगा। ठीक है, यहां पर आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको यहां पर फिल करना है, सिटी डालनी है, स्टेट सेलेक्ट करना है और पिन कोड नंबर डालना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस जो है प्रेजेंट एड्रेस से बराबर है, सेम है, तो आप यहां पर चेकबॉक्स पर साइन कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल डालनी है आपकी, यहां पर जो भी आपका मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, वो यहां पर आपको फिल करना है। क्वालिफिकेशन में आपकी जो भी क्वालिफिकेशन 10वीं 12वीं ग्रेजुएट जो भी है, आपकी इंजीनियरिंग है, वो सब आपको यहां पर मेंशन करनी है। दोस्तों एक्सपीरियंस डिटेल में आपको आपकी एक्सपीरियंस डालनी है, किस कंपनी में आपने काम किया है, किस कब से कब तक आपने काम किया है, कितनी आपको सैलरी मिल रही थी, वो आपको पूरी की पूरी जानकारी इस एक्सपीरियंस डिटेल में आपको फिल करनी है। और यहां पर आपको चेकबॉक्स पर साइन करना है डिक्लेरेशन में और यहां पर फॉर्म को सबमिट करना है। इस प्रकार आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के अपडेट पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।